सो हेलो गाइस, दिस अभिषेक मंगोत्रा, वेलकम बैक टू माय चैनल लव रेल जोन। तो कैसी है अपनी लव रेल जोन फैमिली, आई होप सब बढ़िया होंगे। मेरे तो बिल्कुल रॉक कर रहे होंगे। तो गाइस, पहले तो थैंक यू सो मच, जो आप लोगों का रिव्यू आया ना भाई, व्यूज़ आपने लोगों ने दिए जम्मू मेल एक्सप्रेस की जर्नी में, मज़ा आ गया। थैंक यू सो मच, दिल से थैंक यू सो मच। और अगर जिसने भी नई जर्नी देखी है वो बोली, तो मैं लिंक डालूंगा डिस्क्रिप्शन में। और हाँ, अब बात करते हैं नई जर्नी की। मैं हूँ इस टाइम पे जयपुर जंक्शन में, आप मेरे पीछे देख सकते हैं जयपुर जंक्शन, यहाँ से हमारी जर्नी होने वाली है आज 22934 जयपुर बांद्रा सुपरफास्ट एक्सप्रेस में, जो कि वीकली ट्रेन है, जो कि सिर्फ एक दिन चलती है ट्यूसडे। और हमारी आज जर्नी होने वाली है स्लीपर क्लास में, जो कि मेरी है साइड लोअर 71 सीट नंबर। मज़ा आने वाला है इस जर्नी के अंदर। सवाई मधेपुर पे होगा इसका रिवर्सल, मैं आपको वो दिखाऊंगा, कौन सा लोकोमोटिव लग रहा है वो भी दिखाऊंगा। और आज है डेट 12 दिसंबर और परसों है 14 दिसंबर, जो कि है मेरा बर्थडे, मैं मुंबई जा रहा हूँ उस चीज़ के लिए। और आपसे मुलाकात करूँगा मैं आगे जर्नी में, चलते हैं आगे प्लेटफॉर्म की ओर। और हाँ, मैं दिल्ली से आज ही भी आया था पूजा एक्सप्रेस में, उसका जब तक आप राइवल, जब तक मैं अंदर जाता उसका राइवल देखो, कौन सा लोकोमोटिव लगा था और जयपुर का राइवल, क्योंकि उसका ब्लॉग नहीं बनाया, ठंड बहुत थी और उसको रूट का कवर लास्ट टाइम मैंने मुंबई जाते किया था। थोड़ा डिफरेंट रूट है ये वाला, तो आपके लिए एक नया कंटेंट। चलते हैं अंदर और आगे फिर मुलाकात करते हैं। और हाँ, जब तक आप देखिए पूजा का अराइवल एंड डिपार्चर दिल्ली कैंट से। तो ये थी मेरी सीट S2 कोच में और साइड लोअर 71 नंबर। इसके बाद मैं सोचा अपना बेड लगा लूँ, थोड़ी देर सोता हूँ, तो सीधा मिलेंगे इसमें जयपुर के अराइवल पे। खैर, सुबह हो गई थी, मैं देखते देखते पूजा में इतनी भीड़ बढ़ गई थी लोकल लोगों की, तो मैं सो तो पाया नहीं। बट खैर, मैंने ब्लॉग तो नहीं, मैं अच्छा किया मैं ब्लॉग नहीं, क्योंकि पूजा में बहुत ज़्यादा भीड़ थी भाई। तो देखते देखते हम लोग अप्रोच कर रहे थे जयपुर जंक्शन में, तो आप देखिए सुंदर सा कर, फिर आपको सीधा मिलता हूँ जयपुर के अराइवल। तो हाँ जी, कैसा लगा आप लोगों को मतलब अराइवल डिपार्चर पूजा एक्सप्रेस का? और मैं अंदर आ चुका हूँ, आप लोगों ने देखा ही होगा अभी। बाकी अराइवल कैसा लगा आप लोगों को जयपुर का, मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। जर्नी इसलिए नहीं बनाई यार, मैंने पहले कवर की थी, बहुत ठंड थी। और एक चीज़ बताऊँ, सीट नंबर हमारा दोनों ट्रेन में सेम था 71, पूजा में भी मेरा S2 था और इस वाली ट्रेन में मेरा 71 सीट नंबर, बट S8 है स्लीपर क्लास। तो अभी टाइम हो रहा है 11:19, ट्रेन ने हमें राइट टाइम पहुँचा दिया, पूजा ने अप्रोच 15 मिनट लेट डिले पहुँची थी यहाँ पर, उसका टाइम था 9:30 यहाँ पहुँचने का और उसने हमें पहुँचाया था 9:45। ठीक है, उसके मैं बाहर गया, थोड़ा ब्रेकफास्ट रिक्वेस्ट किया मैंने और आपके लिए एक नई जर्नी की बस तैयारी चालू कर दी है। मैं जाना 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे, वहीं जाके बैठेंगे आराम से, तो जब ट्रेन लगेगी तब आपको दिखा दिया जाएगा। मेरे ख्याल से ट्रेन लग गई, आई थिंक, लेट्स सी, चलते हैं आगे, फिर मैं आपको दिखाता हूँ अपना कोच सीट और फिर जर्नी की शुरुआत करेंगे, डिपार्चर लेंगे यहाँ से मज़ेदार। गाड़ी कितने रेट शेयर करती है यार, बांद्रा तो गाजीपुर भी जाती है 20941 बन के, फिर बांद्रा टर्मिनल टू पाली ताना जाती है 22935,
22936 बन के, फिर बैंड्रा से जैसलमेर बताया मैंने आपको, बैंड्रा जयपुर, फिर बैंड्रा टर्मिनल से ये महुआ भी जाती है 22993, फिर 99989। वाह, तो इसके तीन चार गाड़ियों के साथ, चार ट्रेनों के साथ इसके रेक शेयर है इसके साथ, बढ़िया है। और फिर लोकोमोटिव दिखा दूँ मैं आप लोगों को, तो लगा है WAP7 लाला गुडा का। तो ये है अपना लोकोमोटिव जयपुर जंक्शन 39137। लुक कुछ पड़ा ऐसा है, SER का लाला गुडा वेब 739137। आज ये हमारी ट्रेन को लीड करेगा। तो गाइस अपनी गाड़ी के कोच खुल गए हैं, तो यही अपना कोच है, तो लोग उसमें बोर्ड कर रहे हैं। चलो चलते हैं अंदर। और शायद 12:05 कोच खोल दिया एक घंटे पहले। चलो चलते हैं, ऐसे दिखा दूँ आपको मैं। तो ये है स्लीपर क्लास, थोड़ा इंटीरियर देख लो। गाड़ी बिल्कुल अभी साफ हुई थी, ये गाड़ी आती है दूसरे रेट के साथ और आपका वाइस स्मार्ट लग रहा है ना। तो ये है कुछ इंटीरियर अपने स्लीपर क्लास का। कैमरा भी लगा हुआ है इसमें, धूम्रपान नहीं कीजिएगा और थोड़ा अच्छे से कीजिएगा। और ये है कुछ, और अपनी सीट है ये 71 साइड ओवर, चार्जिंग सॉकेट है इधर, और ये टांगने के लिए लिया है बैग को। तो सामने वही सेम जो स्लीपर में होता ही है, ऑलमोस्ट दिखाया मैंने, दो वहाँ पर स्विच हुए हैं, तीन स्विच है यहाँ पर, छः लोगों में तीन स्विच। सामने भी मिरर है, तीन पैर अपने पास, दो लोगों में एक ही स्विच, बढ़िया है। और चलो राइट वाइट तो चलेगी नहीं इस टाइम, फिर बात करते हैं आगे डिपार्चर के टाइम थोड़ी देर में। तो हाँ जी, मैं आ चुका हूँ अपने कोच के अंदर और अपनी सीट पे बैठा हुआ हूँ। अभी ट्रेन चलने में अप्रॉक्स पूरा 1 घंटा है। तो अभी हम जयपुर जंक्शन में हैं, तो जयपुर जंक्शन में बता दूँ मैं आपको, 8 प्लेटफॉर्म है यहाँ पर, और जो जयपुर है 3 लाइन बनाता है, एक अपनी स्वाई माधोपुर हो गई, एक बांदीपुर हो गई, और एक फालना वाली जो जयपुर वाली लाइन है अपनी एक लाइन बनाता है, और एक रिंगस लाइन बनाता है, 4 लाइन बनाता है ये जयपुर जंक्शन। 8 प्लेटफॉर्म है, 171 ट्रेन यहाँ पर हॉल्ट करती हैं, और 39 ट्रेन यहाँ पर ऑरिजिनेट करती है, और 41 यहाँ पर टर्मिनेट करती है, और 171 यहाँ पर ट्रेन्स हॉल्ट करती है। इतना बड़ा स्टेशन है जयपुर जंक्शन, काफ़ी ट्रेन ट्रेन्स आती हैं यार, सुपर फास्ट है, शताब्दी है, राजधानी, ऐसी ट्रेन्स काफ़ी, डबल डेकर है, और गरीब रथ है, हम सफ़र है, काफ़ी सारी ट्रेन सुपर फास्ट यहाँ पर आके हॉल्ट करती है और टर्मिनेट भी होती है काफ़ी सारी ट्रेन्स। रिंगर्स भी यहाँ से लाइन कटती है। तो 8 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है, प्यारा सा, अच्छा है, तो काफ़ी नीट एंड क्लीन स्टेशन है। तो बाकी अब ट्रेन चलेगी तो आपसे मुलाकात तब करेंगे, 1:10 पे देखते डिपार्चर शार्प लेगी या डिले होगी। ठीक है, मिलते हैं डिपार्चर पे। ज़रा लंबा नहीं करेंगे इस बात को, स्ट्रेच को, और सीधा ताबड़तोड़ स्पीड पे कॉन्सेंट करेंगे बस। और हाँ, ये ट्रेन 130 किलोमीटर पर आवर भागती है, रतलाम वडोदरा होते हुए ये पहुँचेगी मुंबई, भारूच और वापी, ये सब जगह रुकती है ये। स्वयं उदयपुर पर होगा हमारा रिवर्सल, तो मैं वो भी जाकर अगर टाइम मिला मैं ज़रूर दिखाऊंगा आप लोगों को, क्योंकि मेरे पास 2 बैग हैं तो उनको भी देखना मुझे। अच्छा, एक चीज़ मेन चीज़ बताने भूल गई आपको मैं, कि जो इसका जोन पड़ता है वो पड़ता है NWR नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, और डिवीज़न पड़ता है अपना जयपुर, जयपुर जंक्शन। तो बाकी जब ट्रेन चलती फिर मुलाकात करते आपसे। तो हमारी ट्रेन चलने में सिर्फ रह गए 15 मिनट, 1:10 का डिपार्चर है यहाँ से। और मैं सबसे बड़ा कन्फ्यूजन पता क्या हो गया, मैं सोच रहा था इतनी देर से कि मेरा S8 है और 71 सीट नंबर है, तो अब जो S8 में जिनकी सीट थी 71 वो मेरे पास आए, ऐसे बैठे हम लोग बहुत देर से बात कर रहे थे, सच में मुझे पता नहीं था। तो मैंने टिकट चेक करी तो मेरा S7 है और 71 सीट नंबर, तो ये कन्फ्यूज़न हो गई। मैं जस्ट अभी पीछे भाग कर आया हूँ और चेंज किया है। और अच्छा, मैं बता दूँ आपको, जयपुर से लेकर बैंड्रा तक का जो हमारा डिस्टेंस है 1147 किलोमीटर का है, जो कि ये अप्रोक्स 11 घंटे या 11.5 घंटे में पूरा करेगी, और जर्नी फुल आएगी मज़ेदार। तो अच्छा, रात का थोड़ा मैं वही दिखाऊंगा, स्टेशन के भी दिखाऊंगा, क्योंकि पता है रात को अंधेरा होता है तो फिर इतना वो आएगा, जितना उजाले में होगा ना मैं उतना कवर करूंगा बेस्ट टू बेस्ट। तो चलते हैं, बाकी 1-2 ओवरटेक हैं इस रूट में, इंटरसिटी है काफ़ी, 2-3 ट्रेनें हैं, देखते हैं कौन सी कहाँ ट्रेन कहाँ मिलती है, क्योंकि आजकल ट्रेन थोड़ी लेट भी चल रही है। पूरा ट्राई करेंगे जितना अच्छा हो सके, बाकी चलो डिपार्चर लेते हैं, उसके बाद आपसे मुलाकात करते हैं।
तो गाइज मैं इस ट्रेन की डिस्टेंस की बात करूँ तो जयपुर से लेके बांद्रा तक इसका है 1147 किलोमीटर, जो कि पूरा करती है 17 घंटे 20 मिनट के अंदर। और यही है बस डिपार्चर होने और 5 मिनट रह गए, उससे बाद आपसे मिलूँगा डिपार्चर पे सीधा। शार्प डिपार्चर और एक माता रानी की जयकार से शुरुआत करते हैं। जय माता दी गाइस। हम वैष्णो देवी जा रहे हैं बट एक जयकारा तो भगवान का बनता ही है यार। ओम नमः शिवाय। और मंगलवार है तो जय बजरंगबली एंड जय बालाजी। तो सी यू जयपुर जंक्शन। और धूप हो रही है बहुत भयंकर वाली इधर। और प्यारा ऐसा सुंदर सा कर्व आएगा। तो अपना फोर्थ कोच हो गया लोकोमोटिव से। और ये मेरे लिए नया रूट है पूरा जयपुर से लेके सवाई माधोपुर तक। मैंने इस ट्रेन जर्नी के लिए स्पेशल बुकिंग करके इस गाड़ी में, मेरे को गरीब के जर्नी में गरीब में टिकट अवेलेबल मिल रही थी लेकिन मैंने इसमें करी क्योंकि मैं थोड़ा अलग कंटेंट दिखाना था लोगों की। मैंने वो जर्नी लास्ट टाइम कर रखी है दिल्ली सरोला बांद्रा गरीब एक्सप्रेस। अगर आप लोगों को नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा लिंक और आप कर्व को इन्जॉय करिए क्योंकि बहुत ही सुंदर कर्व है जयपुर के आउटर पर। चलो कोच कॉम्पोजिशन बता ही दूँ मैं आपको। इसमें इसमें 8 स्लीपर है, 2 जनरल, 1 पेंट्री कार, 6 थर्ड AC, 1 फर्स्ट AC एंड 1 HA1 फर्स्ट ए सी एंड एक सेकेंड ए सी HA1। और फिर इसमें एक SLR का डब्बा है लास्ट जनरल के बाद। टोटल 22 कोच का चलती है गाड़ी है तो काफ़ी रेट शेयरिंग है 22 ट्रेन की। और आप इन्जॉय कर रहे हो इस पूरे कर्व को। और वहाँ वाला अब लोग आ गए हैं सोया मधुपुर वाली लाइन पे। तो मैं आपको दिल्ली लाइन दिखाता हूँ अभी। तो हमेशा और हमेशा मैंने वहाँ से आपको जब भी ट्रैवल किया इस लाइन पे दिखाया है कि हम सोया मधुपुर लाइन ये आ रही है जा रही है, तो आज हम पहली बार जा रहे हैं। तो आपको दिल्ली लाइन दिखाता हूँ मैं बांदीकुई वाली लाइन। तो ये जो लाइन देख रहे हो आप अलग हो रही है, यही अपनी दिल्ली लाइन है बांदीकुई होकर निकल जाती रेवाड़ी होते हुए। कल से ये सिंगल लाइन रूट है जहाँ तक कि मैं देख पा रहा हूँ कि कोई डाउन लाइन है नहीं यहाँ पर। Oh.
गाड़ी गाइस हमारी गाड़ी को लूप पर डाल दी गई है और सामने क्रॉसिंग हुई है थ्री सिंगल लेन में बनसली निवाई। देखते हैं कौन सी गाड़ी है। दुर्ग अजमेर एक्सप्रेस 18207। आप में से बता सकता है ये कौन सा किला है। अगर आप लोगों को पता हो कौन सा किला है ये तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। लोक पर बना हुआ है और दो तीन सेशन बाद हम लोग पहुँच जाएंगे स्ट्रॉय मधुपुर। तो एक किला और मुझे और दिख रहा है ये रहा। बहुत ही सुंदर लग रहा है यार। कोई सारदा करके जगह थी तो वहाँ पर उसके पास ही दिखते हैं किले। तो आप मुझे प्लीज़ बताना कमेंट सेक्शन में कि ये कौन से राजा का किला रह चुका है। पुरानी पुरानी हवेलियाँ यहाँ पर जैसे हॉरर टाइप की नहीं होती वैसी।
बनस। चाय लिए मेरे को पैसेंजर हैं जो सर जयपुर से ही हैं। सर आपका शुभ नाम? जय सिंह। सर कैसा टेस्ट है चाय का? टू बी जेन्युइन सोसो है। कितना रेटिंग दोगे आप 10 में से? दो रेटिंग, टू मतलब बिल्कुल ही बेकार है। तो मैं भी टेस्ट करता हूँ। अच्छा पानी, वो तो पानी डाल, हम तो पता ही है यार, गर्म पानी है। तो मैं भी टेस्ट कर लेता हूँ, देख तो कैसी चाय है, मैं आपको बताता हूँ। बिल्कुल सही रिव्यू दिया है सर ने, दो नंबर यार। पता क्या है, पानी में दूध तो होगा नहीं, पाउडर इतने क्या डालते हैं लोग, और बस चीनी का घोल है हल्का सा, इंग्लिश चाय बन गई यार। तुम 10 रुपये ले रहे हो। एक्चुअली आप लोगों को बताऊँ मैं, ICTC का रेट 5 रुपये का है इस चाय का, और ये लोग 10 रुपये की बेचते, तब भी हम लोग कुछ नहीं कहते, चल ठीक है यार। लेकिन एटलीस्ट रेलवे को ये चीज़ देखनी चाहिए, सुधारनी चाहिए कि एटलीस्ट चाय अच्छी मिले लोगों को यार। 10 रुपये भी रो रहे तुम लोग यार। बाकी ठीक है, ख़त्म करते हैं इसको, कोई जैसे भी पीनी पड़ेगी। एक्चुअली सर ने लिया यार, तो सर थैंक यू। बाकी फिर आगे एंजॉय करते हैं। हम लोग पहुँचने वाले सोया माधोपुर, गाड़ी बिफोर चल रही है 20 मिनट। बढ़िया ट्रेन है यार, मस्त भाग रही है, और क्या चाहिए, फुल हॉकिंग के साथ। तो गाइस हम लोग बस अब सोया माधोपुर से 15 किलोमीटर दूर हैं, देवपुरा, और गाड़ी अप्रॉक्स पता है 45 मिनट बिफोर चल रही है यार, आधा घंटा मतलब चल रही है। इसका टाइम है 3:15 पहुँचने का सवाई माधोपुर। वहाँ 15 मिनट का हॉल्ट लेंगे, गाड़ी को यहाँ लूप पे डाल दिया है, या बिफोर आ गए या क्रॉसिंग होनी होगी, इसलिए उसको लूप पे डाल दिया है। ये थी हमारी जोधपुर इंदौर एक्सप्रेस, इंदौर जोधपुर एक्सप्रेस। तो गाइस हम लोग देखते ही अप्रोच कर रहे हैं सवाई माधोपुर, ऑलमोस्ट 15-20 मिनट बिफोर, और वो क्रॉसिंग कैसे लगी आपको बताना मुझे। और प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे जाएंगे हम लोग, और यहाँ का फेमस है आई थिंक दाल बड़ा या समथिंग, या कचौड़ी टाइप, तो जाके एक्सप्लोर करेंगे, वो टेस्ट करेंगे कैसा है। जी मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ इस स्टेशन में, रुकूंगा, क्योंकि अदरवाइज हमने स्किप ही मारा हमेशा। जब मानसा संपर्क आंधे मुंबई से आया था, हमने स्किप किया था, और रात थी उस टाइम। तो फर्स्ट टाइम मैं इस रूट को रोशनी में देख रहा हूँ, क्योंकि मैंने 2016 में आई थिंक मैंने ट्रैवल किया था मुंबई राजधानी में, तब मैं ब्लॉगिंग नहीं करता, तब मैंने ये रूट देखा था, तब भी रात को था। तो ये मेरा फर्स्ट टाइम दिन में होने जा रहा है रूट, ये तभी मैंने इस ट्रेन की जर्नी करी है, ताकि आप लोगों को मैं दिन में थोड़ा दिखा पाऊँ, क्योंकि रात में कुछ अच्छा दिखता नहीं है। तो जितना कवर हो पाएगा हम दिन में करेंगे। अब आपके ऊपर है कि 40-50 मिनट की वीडियो आप देखोगे तो आपको मज़ा आएगा ही। जो हार्डकोर ट्रेन लवर है ना, तो वो ये चीज़ समझ सकते हैं, क्योंकि मैं 10 मिनट में जर्नी नहीं बना सकता 1000 किलोमीटर की, मुझे इतनी छोटी जर्नी पसंद ही नहीं है। अब अगर 1000-1500 किलोमीटर की जर्नी कर रहे हो, तो अप्रोक्स आपकी वीडियो तो 30-40 मिनट की हो, तो बुरा नहीं है, क्योंकि आप दिखा तो रहे हो एटलीस्ट बारे में कि ठीक है कौन से रे कैसा है। ट्रेन जर्नी है यार, इसलिए इसको एंजॉय करो। बाकी चलो आपसे मुलाकात करता हूँ मैं अराइवल पे, क्योंकि अभी यहाँ से हमें एक लाइन मिलेगी जो हमारी रतलाम कोटा वाली लाइन है, मुंबई वाली लाइन। अब रिवर्सल के बाद हम उसी लाइन पे बढ़ेंगे, तो मैं आपको दिखाता हूँ। आउटर पे ले तो आया हमें वैसे, 10 मिनट बाद गाड़ी यहाँ, इतना बिफोर आ गई थी कि इसको यहाँ रोक दिया था, कोई गाड़ी खड़ी थी मेरे ख्याल से सवाई माधोपुर में, तो अब आउटर चली है। फर्स्ट टाइम अराइवल इन
सोए मधेपुर। जो सामने लाइन देख रहे हो ना आप, अभी हम इसी तरफ को जाएंगे रिवर्सल लेके, और ये कोटा से आ रही है, रतलाम वडोदरा, इधर से कोटा वडोदरा है, और इधर जाएगी तो ये अपना मथुरा पहुंचेगी सीधा, मथुरा से दिल्ली निकल जाएगी। तो हम लोग दिल्ली मुंबई मेन लाइन पे आ गए हैं वाया कोटा रतलाम वाली। तो आओ चलो प्लेटफॉर्म से अराइवल दिखाते हैं। अभी हमारा देखो अभी यहाँ से लाइन से है ना, अभी इधर निकल जाएंगे। चेंज मारी है लोको पायलट ने, राइट साइड को आ गए हैं। तो वैसे ऑफिशियली इसका लिखा तो 2 नंबर पे है प्लेटफॉर्म, बाकी देखते हैं कौन से नंबर पे जाती है। अपन एक WP5 खड़ा हुआ है और हमारा प्लेटफॉर्म है राइट साइड में, वो भी जाता हूँ फटाफट से। बट मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि वहाँ से इसको निकालेंगे और इसको लगा देंगे। गाज़ियाबाद WP5 खड़ा है, WP7 निकल के शायद WP5 लग सकता है, जो यहाँ ऐसे खड़ा हुआ है बीच में लाइन में। बाकी एक बार कंफर्म कर लेते हैं। भैया इसी में लगेगा कहीं, इसमें लगेगा, हाँ इसी में लगाएंगे, WP5 लग जाएगा अभी। WP3501 नंबर है इसका। तो ये रहा जी सवाई मधेपुर का प्लेटफॉर्म नंबर 2। वहाँ कुछ MDs खड़े हैं, 4 MD खड़े हैं। गाड़ी शार्प ऑन टाइम आई है भाई। यहाँ पकौड़ी वकौड़ी मिल रही है, सब ये सब चीज़ें मिल रही हैं यहाँ पर। उसको डिटैच कर देंगे तो उसको लगा देंगे WP5 को। जैसे कि आवाज़ सुन सकते हैं आप लोग, यहाँ पर आलू वड़ा है, यहाँ पर वड़े हैं और अमरूद फ्रूट सब कुछ मिल रहे हैं, फल फ्रूट सारी सुविधाएं अवेलेबल है। तो अभी आके लेते हैं खाने का, थोड़ा पहले आपको WP7 दिखा दूंगा, ये डिचार्ज होने वाले पहले दिखाया था मैंने, फिर WP5 दिखाऊंगा। ये लोकोमोटिव लगा था पहले इसमें, अब लगेगा WP5। तो चलते हैं WP5 दिखाते हैं आपको। हमारा कोच हो गया सेकंड थर्ड लास्ट। गाइस धूप नहीं सेट गई है, तो ये देखो सामने लग रहा है WP5 और भाई भाग के आया हूँ मैं लिटरली। ये देखो WP5 लग रहा है। और अभी अटैच कर देंगे गाज़ियाबाद सेट का WP5 3501। अभी ढंग से लॉग नहीं हुआ, दोबारा करेंगे। हो गया कपल, अब चलते हैं क्योंकि मुझे ना वो करना है, हाँ क्या कहते हैं, पीछे जाना है दाल वड़ा लेने की। लास्ट का कोच है भाई, भाई भागने में हालत टाइट है, कोई 10 मिनट में चाहिए गाड़ी चलने वापस। और एक चीज़ और भाई साहब, बहुत गर्मी है इधर यार, मैंने फुल पहने हुए किया, सुबह बहुत ठंड थी तो, लेकिन मैंने कपड़े लाए वो मुंबई में तो शॉर्ट्स ही पहनूंगा, टी शर्ट नहीं शॉर्ट्स में, मुझे क्या पता था। लेकिन रात को ठंड हो जाएगी इसलिए मैंने कहा चलो कोई बात नहीं पहन के रखते हैं, 2-4 घंटे की और बात है। अभी ट्रेन चली, हवा लगी तो गर्मी नहीं लगेगी। वैसे यहाँ पर कभी गर्मी है, यहाँ पर लोग शॉर्ट्स में बैठे हैं यार, सही है। तो दाल वड़ा लेते हैं फिर चलते हैं फटाफट से, तो डिपार्चर टाइम होने वाला है इसका। मैंने ये लिए दाल वड़ा, यहाँ का बहुत फेमस है सवाई मधोपुर का। कैसा है अंकल जी? ये अच्छा है, बेटर है ये, चाय के साथ मज़ा आया था, बट चाय आ गई मेरे कुछ हो रहा है। और मैंने 1 किलो अमरूद भी लिया है जो कि अच्छे हैं, काफ़ी फ्रेश हैं, फ्रूट्स तो साग रखना ही चाहिए, तो इसका भी सेवन करेंगे थोड़ी देर में।
तो बाकी मैं एक बार टेस्ट कर लूँ, मैंने टेस्ट नहीं किया। इसमें हरी मिर्ची और यहाँ पर दाल बड़ा भाई, आलू बड़ा, ये सब कचौड़ी, ये सब मिल रहा है, समोसे मोसे, बट मैंने ये लिया है। गाड़ी का सिग्नल होने वाला है और दाल बड़ा टेस्ट करते हैं। वैसे मैं एक टेस्ट किया, बहुत अच्छा है, इट्स अमेजिंग टेस्ट। और डिपार्चर स्टार्ट हो गया, चलते गेट में, फिर आगे कंटिन्यू खाते हो। 4:30 हमारा डिपार्चर चालू हो गया है। और हाँ, सवाई माधोपुर का स्टेशन कोड था SWM। और यहाँ पर टोटल 4 प्लेटफॉर्म है। और यहाँ मिला हमें बहुत गर्बा ग्रीन सिग्नल। और पता है ये गाड़ी भागेगी अभी 130 किलोमीटर पर आवर, वहाँ से चल के सही आई है, 100-110 मारा है, बट अब लगा वाईफाई तो अच्छी पावर खींचेगा। और हॉन्किंग नहीं आएगी यार, कुछ जुगाड़ करेंगे आपके लिए, मैं आगे जाऊँगा फिर अंदर अंदर से। गाइस अभी यही जो लाइन देख रहे हो आप, यहीं से हम लोग आए थे, और बीच में गुड्स ट्रेन आ गई, वरना मैं आपको दिखा रहा था, बट मैंने आपको अराइवल के टाइम पे दिखाया था। वो गई वो लाइन जहाँ से हम आए थे। अभी मैंने ये लिया अमरूद सवाई माधोपुर से, बहुत टेस्टी है यार, आप भी ले सकते हो। मुझे 50 rupees पर kg मिला है, बहुत बढ़िया। गाड़ी ने पकड़ लिया एक्सेल वाली स्पीड, देख रहे हो आप, मज़ेदार। क्या मस्त ट्रेन घूम रही है यार, क्या सुंदर कर रहा है। Thank you.
भाई गाड़ी चल रही है अपनी पूरी 130 की रफ्तार में, आपको मेट्रो में दिखाया मैंने। और हम लोग बढ़ रहे हैं कोटा के लिए और कुछ देर में होगा सनसेट। कपेरन कपरेन कपरेन ऐसा आप लोग ऐसा मत करना, मेरे को एक्सपीरियंस है और मेरा काम है भाई, बट मज़ा आ रहा है यार। मुझे ऐसी सुपर फास्ट गाड़ियाँ बहुत पसंद है जो बस लंबे गैप तक 130 चल रही है, अपने एमपीए स्पीड में चलती रहे और क्लियरेंस मिलती रहे नीचे गाड़ी को, और गाड़ी अगर बिफोर या ऑन टाइम चल रही हो तो और भी ज़्यादा चलने का मज़ा आता है। और इतनी सुंदर शाम होने वाली है ना यार, अल्टीमेट। गाइस हम लोग अप्रोच कर रहे हैं कोटा, अप्रॉक्स 10 मिनट की देरी से चल रहे हैं हम लोग। और वेदर हो गया बहुत ही सुंदर, मतलब थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा। ये कट की गुना की लाइन ये वाली, ये जो लाइन देख रहे हो आप ये वाली गुना से आती है, मतलब वो भी वो बाईपास से गुना जाती है और ये कोटा से गुना जाती है, वो जो उधर जा रही है ये वाली गुना अशोक नगर गुना एमपी। और आगे हम कोटा जंक्शन आईआईटी का हब, और यहाँ पर 15 मिनट डिले हो गई, गाड़ी आउटर पर रोक दी थी। और यहाँ की फेमस है कचौड़ी, अब यहाँ पर हमारा 5 मिनट का ऑल्टर। तो पहुंच चुके हैं कोटा, जैसे मैंने बताया 5 मिनट का हॉल्ट है यहाँ पर,
और 239 हमने किलोमीटर कवर कर लिए यहाँ तक। और ये हमारा तीसरा हॉल्ट है चलने के बाद, पहले आया था दुर्गापुरा, फिर आया सवाई माधोपुर, और तीसरा हॉल्ट है ये हमारा कोटा, जिसका स्टेशन कोड है KOTA। IIT हब के लिए जाना जाता है, इतना फेमस है हमारा कोटा राजस्थान का IIT के लिए। और बस ट्रेन चलने वाली, यहाँ पर वाटर फिलिंग हो रही थी ट्रेन की, और अब कुछ ही देर में होगा और आपको मिलेगा। अब मैं कुछ स्पेशल करने के लिए आपके लिए आगे आया हूँ, तो समझ जाओ आगे से मतलब ट्रेन चलती है फिर पता लग जाएगा। ठीक है, मिलते होंगे डिपार्चर पर। अभी हुआ क्या कि WP5 के अंदर पावर कट हो गई थी, मतलब कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो गाड़ी ऑलमोस्ट 15-20 मिनट डिले हो गई है। तो अभी उसके अंदर कुछ इन्होंने इलेक्ट्रिक पाइप लगाई है जो SLR से कनेक्ट किया है लोकोमोटिव इसको सप्लाई देने के लिए। तो अभी भी पेंटोग्राफ ऊपर हुआ है, अब गाड़ी को सिग्नल दिया जाएगा। काफ़ी देर से यहाँ खड़े, लेकिन काफ़ी लोग खड़े थे रेलवे के अधिकारी, इसलिए मैंने शूट नहीं किया। बट कोई नहीं, 5 मिनट डिपार्चर होगा फिर आपको दिखाते हैं हॉन्गकॉन्ग प्लस स्पीड, मज़ा आ जाएगा। फाइनल डिपार्चर होंग, 20 मिनट गाड़ियाँ खड़ी हो गई, 5 मिनट के हॉल्ट में फोन करा दूँगा, नंबर सेंड कर दूँगा। डिपार्चर स्टार्ट हो गया कोटा से। मुंबई कोटा जंक्शन, यह है कोटा यार्ड। गाड़ी होगी 42 मिनट और यह है वॉशिंग लाइन। गाड़ी चल रही है पूरे 130 किलोमीटर पर आर, और भाई अलग ही नज़ारे हैं इस रूट के। Thank you.
जैसे कि आपने देखा कि मैं था जनरल डब्बे में, हॉर्न चलाने आया था, पूरा अंधेरा हो चुका है। तो अब हम लोग अप्रोच कर रहे हैं रामगंज मंडी, जो कि इसका फोर्थ होल्ट है। गाड़ी अप्रोक्स अभी 40 मिनट डिले चल रही है, वो पावर इसका सप्लाई थोड़ा ख़राब हो गया था, मतलब लो बैठ गया था, तो फिर इस ठीक किया है, बट गाड़ी चल पड़ रही है सही टाइम से। और बस अब पहुँचे रामगंज मंडी, अराइवल दिखाता हूँ वहाँ पर और फिर भागेंगे अपने कोचों के, अंधेरा हो गया, फिर मेन मेन स्टेशन के दिखाएंगे जो बड़े बड़े होंगे, और कुछ स्टेशन में मिलेंगे फिर आपसे, क्योंकि मेरे को खाना भी ऑर्डर करना है, मतलब वो पेंट्री कार का ट्राई करेंगे इस गाड़ी का कि क्या सिस्टम है। पर गाड़ी मस्त भाग दी, आपने देखा कैसे 130 चली है ज़बरदस्त। तो चलो अराइवल देखते हैं, उसके बाद मुलाकात करते हैं आपसे अपने कोच में जाकर। तो ये आ गया रामगंज मंडी, यहाँ पर से 2 मिनट का ऑल्ट है, मुझे पीछे भागना पड़ेगा क्योंकि मेरा कोच बिल्कुल लास्ट में है। ठीक है, बहुत तेज़ है। गाड़ी निकल चुकी है रामगंज मंडी से और मैं आ गया स्लीपर कोच में, अंधेरा हो चुका भाई अच्छा खासा, मेन मेन चीज़ ही कवर हो पाएगी। फ्लैट व्हील है, वहाँ सुनो फ्लैट व्हील, अपना डिनर आ गया है, 7 बज रहे हैं यहाँ पर अभी, 7:04, और मैं बता दूँ उसमें क्या क्या है। वैसे सूखी सब्जी है, दाल है, पनीर की सब्जी है, 3 रोटी है एंड राइस, पिकल एंड कुछ सलाद है। ठीक है, ये मुझे पड़ा है 80 रुपीज़ का पड़ा है मुझे ये खाना, और जो कि पेंट्री से बन के गर्म है, एक्चुअल में गर्म है। तो इसको अनबॉक्स करते हैं, फिर इसको खाते हैं, फिर मैं बता दूँ कैसा है खाना। तो पेंट्री गर्म फ्रेश खाना बना है, तो लेट्स सी
चेक करते हैं कैसे है। गाइस एक बार देख लो, पिकल है, राइस की क्वालिटी मैं फ्लैश बन करता हूँ एक बार तो पता लग जाएगी आपको। एक बार ये देखो फ्लैश की क्वालिटी देखो, राइस की क्वालिटी देखो सही है। सब्जी दाल की दाल भी थिक लग रही है काफ़ी ज़्यादा, ये देखो अच्छी लग रही है, मतलब खाने लायक है। और पनीर है थोड़ा सा, छोटे छोटे पनीर टुकड़े डाले हुए हैं। अब डिपेंड करता है टेस्ट, खुशबू अच्छी आ रही है और तीन रोटी मिली है साथ में। तो एक बार फ़ोटो ले लें, उसके बाद फिर करते हैं डिनर स्टार्ट। चलो एक बार डिनर ट्राई कर लेते हैं। मैं पहले ले रहा हूँ दाल, ये देखो ये रही दाल, टेस्ट करते हैं दाल कैसी है। थोड़ा सा नमक कम है बट टेस्ट बढ़िया है, धनिया वनिया सब मस्त पड़ा है, हल्का सा स्पाइसी है हल्का सा। भाई आलू गोभी मिक्स वेज है, आलू की सब्जी है वो बहुत बढ़िया है, बिल्कुल जैसा मेरे को पसंद है आलू की सब्जी वैसा है। और ये पनीर की ग्रेवी, पनीर की ग्रेवी ले रहा हूँ मैं, ये पनीर की ग्रेवी और मटर, मटर नहीं टमाटर है, ये दाल है, ये गोभी मिक्स वेज की सब्जी है, ये बहुत बढ़िया है, थोड़ा सलाद और राइस और उड़ी चपाती। फिनिश करता हूँ फिर बताता हूँ ऑल ओवर कितने रिव्यू इसको मैं दूंगा, रेटिंग 10 में से कितना देता हूँ। खाता हूँ फिर मिलता हूँ लोगों से। गाइस हमारा किसी गाड़ी का फैमिली अराइवल हो रहा है नागदा में, और हम लोग अप्रॉक्स 20-25 मिनट डिले हैं। अब ये ट्रेन कौन सी है थोड़ा आगे जगह पर लगेगा, नागदा नागदा हमारा पहुंचने का टाइम था 7:30 बजे। और ये सामने आई है, ये आई है इंदौर मुंबई सेंट्रल या दादर होगी। तो ये है जी नागदा जंक्शन, वैसे यहाँ हमारा 2 मिनट का हॉल्ट है। अच्छा एक चीज़ और बता दूँ आप लोगों को, मैं खाना मैंने लिया था बहुत बढ़िया खाता था, मतलब अच्छा था, मैं उसको रेटिंग दूंगा 10 में से 8, मतलब 10 में से 8 नंबर दूंगा, क्योंकि थोड़ा सा मेरे लिए फीका था, बिकॉज ऑफ अगर आप बड़े जो एज के लोग होते अगर वो खाए तो उनके लिए परफेक्ट था। राइस के साथ थोड़ा मेरे को फीका लग रहा था, अदरवाइज टेस्ट बढ़िया था, आप खा सकते हो। इस गाड़ी में खाना पेंट्रिका में मिलता है, एक्चुअली पता है इस गाड़ी में ना ओवर प्राइस खाना बेच रहे हैं 140 का, लेकिन मैंने क्या किया था, जब मैंने आपको जनरल से दिखाया था ना हॉन्गकॉन्ग की आवाज़ के लिए मैं आगे गया था, उसके बाद वापस आया फटाफट से पेंट्रिकर में चढ़ गया। पेंट्रिकर में जाते ही मैंने मैनेजर को बोला कि मुझे 80 वाली स्टैंडर्ड थाली चाहिए, मुझे सर ये वाली थाली है मैं आपको 80 रुपीज़ में दे दूँगा, जिसमें पनीर की सब्ज़ी है, दाल है, सूखी सब्ज़ी है, 3 रोटी और चावल। तो मैंने भी ज़रा बहस नहीं करी, मैंने कहा दही वही के चक्कर में क्या लड़ना है, मीठा मेरे पास चॉकलेट पड़ी थी मैं चॉकलेट खा ली, तो बस खाना हो गया अपना बढ़िया। और खाना सच में टेस्ट रहा, क्वांटिटी भी अच्छी थी, तो आप लोग भी अगर ऐसा करना चाहो आप कर सकते हो, उस गाड़ी के अंदर खाना मिल जाएगा आपको शुरू में, ठीक है। बाकी नागदा में 2 मिनट का हॉल्ट है और इसके बाद ना मैं सोऊंगा, बिकॉज ऑफ रीज़न सुबह 5 बजे की सामने पूजा पकड़ी मैंने, आपने देखी सोया नहीं, फिर रात को घर से आप सोचो कितने अब निकलूंगा रात, बट मैं वैसे नहीं सोया था, तो अब जाके सोऊंगा। जो भी रतला मतलब वडोदरा, ये इन फ्यूचर बहुत जल्दी दोबारा कवर करने वाला हूँ मैं, तो देख लेना दिन में आएगा वो सारा, तो उसके बाद सोएंगे, फिर सुबह मुलाकात करूँगा 4:30 बजे के, 2 घंटे का बचेगा। और ट्रेन चल पड़ी, ये होती है पंचुअलिटी ट्रेन की, सिर्फ 2 मिनट रुकी है। और भाई साहब हॉन्ग भी नहीं दिया इसने, यहाँ में हॉन्ग की आवाज़ ही नहीं आई। ओ सॉरी, इंदौर मुंबई सेंट्रल खड़ी है ये, इंदौर दादर खड़ी है, ग्रेक शेयर दिखा रहा है ये, और 7:52 में 2 मिनट रुकी गाड़ी। हमारी गाड़ी 45 मिनट डिले हो गई थी और अच्छा खासा कवर कर लिया है, 20 मिनट ही डिले है अब। हाँ ये इंदौर मुंबई सेंट्रल अनाउंसमेंट हो रही है इसकी और डिपार्चर आप देख रहे हैं। इसके बाद मैं सीधा सोऊंगा, फिर आपसे मुलाकात करूँगा सुबह, ये सोना भी ज़रूरी है गाइस ताकि तबीयत वबीयत ख़राब ना हो, है ना। ये मुंबई में यार फ़न के लिए जा रहा हूँ, अपना इन्जॉय करूँगा, अपना बर्थडे 14 तारीख का, तो हो सकता है क्या पता मैं ये व्लॉग 14 तारीख को डाल दूँ, तो आप कमेंट सेक्शन में आप विश भी कर सकते हो, अगर बाद में भी डालूंगा तो बिलेटेड करके डाल देना, क्योंकि अगर टाइम नहीं मिला उधर जाके।
परी लाख दस, क्योंकि अगला स्टेशन में रतलाम है। बाय बाय दहोद फिर रतलाम नागदा जंक्शन। बस ऑलमोस्ट अपना मैंने बैग लगा लिया है, मैं तो जा रहा हूँ सोने और नींद बहुत तेज़ आ रही है, तो वहाँ पर सीधा मुलाकात करूँगा जहाँ भी नींद खुलती है 4-5 बजे या 3 बजे जहाँ भी खुलेगी वहाँ से मुलाकात करूँगा और उसके बाद फिर जल्दी कंटिन्यू करेंगे। कि मैं देखो व्लॉग तो लंबा जाएगा यार, ठीक है, अब दो पार्ट में एक ही पार्ट डालूंगा, चाहे 1 घंटे का बने चाहे वो 40 मिनट का बने, ठीक है। लेकिन आपको मैं दिन तक का फ़न कराना था कि कितनी तेज़ गाड़ी भाग रही क्या है। और इस रूट में एक चीज़ है, क्रॉसिंग ज़्यादा अच्छी नहीं हुई, मतलब क्रॉसिंग में ज़्यादा मिली नहीं इस रूट के अंदर, कोई बात नहीं, लेकिन चल रहा है बढ़िया। रात को अच्छा दिखेगा नहीं, लेकिन सोना भी तो है, वापसी जिस ट्रेन से उसका भी एंड ब्लॉग बनेगा, लेकिन मज़ा आएगा आप लोगों को। चलो ठीक है, मिलते हैं अब सुबह जब भी आँख खुलती है। गुड नाइट। हाँ जी गाइस, हम लोग अप्रोच कर रहे हैं सूरत। अभी मैं जैसे उठा था मेरे को ना भूख लग रही थी एक्चुअली, तो मैंने सोचा चलो सूरत आ रहा था यहाँ तो दिखाई देते हैं आपको, ठीक है। जैसे गाड़ी क्रॉसिंग में, गाड़ी क्रॉसिंग में दिखा लेते हैं कौन सी गाड़ी आ रही है। गाइस हमारा अराइवल हो रहा है सूरत में, जिसका स्टेशन कोड है ST, और जो आपने अभी गाड़ी देखी थी वो थी बैंगलोर से लेके जोधपुर की तरफ चलने वाली जोधपुर एक्सप्रेस, जिसका ट्रेन नंबर है 16508, जो कि अभी गई है AMD के साथ। और हमारा प्लेटफॉर्म 3 नंबर पे जाएगी गाड़ी। चलो गुजरात का स्टेशन तो दिखाई दे, एक ये मुंबई सेंट्रल हापा दुरंतो स्किप कर रही है सूरत को। इसमें लगा WAP5 लगा था दुरंतो एक्सप्रेस, मुंबई सेंट्रल हापा मुंबई दुरंतो। ये चाय लिए 10 रुपये की, मैंने भी हाथ पे गिर गई गरम गरम, और चाय टेस्ट करी मैंने, चाय तो बढ़िया है, 10 रुपये की मिली सूरत में, लेकिन एक्चुअल में चाय बहुत बढ़िया, टेस्टी चाय। सुबह से कल से अब बढ़िया चाय पी रहा हूँ मैं। मैंने जयपुर में पी थी चाय स्टेशन के बाहर वो, और जब ट्रेन में एक ही बार ली थी वो बहुत बेकार चाय थी, बढ़िया बहुत बढ़िया चाय है। और अभी बज रहे हैं सुबह के, अभी रात के 2:14 पे, और सूरत में चहल पहल देख रहे हो आप, ओए होए होए हो, ज़बरदस्त बढ़िया एकदम। चलो डिपार्चर मिलते हैं, 5 मिनट का हॉल्ट है, और स्किप देख लो कोई गाड़ी का यार आए वाला स्किप है। तुरंत मुंबई सेंट्रल हिसार WP7 लगा हुआ है इसमें। ये थी मुंबई सेंट्रल हिसार दुरंतो एक्सप्रेस। वैसे टाइम हो चुका है हमारा चलने का, 2:17 का टाइम था, 2:20 हो गए, और हमारे बगल में आ रही है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे भगत की कोठी पुणे एक्सप्रेस, तो आओ उसका अराइवल दिखाते हैं।
बस ये ना कि हमारी गाड़ी चल जाए, कौन सा लोकोमोटिव लग के आया क्या है, क्योंकि हम है दो नंबर पे। लो गाड़ी देख लो, भगत की कोठी पुणे एक्सप्रेस, बहुत झेलम जैसे रेक है इसको। हमें डिपार्चर सिग्नल दे दिया गया है गार्ड साहब के लिए, देखो ये लगा होता है लास्ट में भी कि गाड़ी को सिग्नल हो चुका है डिपार्चर का, और वहाँ से गार्ड साहब अगर रेडी होंगे तो वहाँ से आपको वो दिखाएंगे ग्रीन सिग्नल और गाड़ी मूव होना चालू हो जाएगी। सिटी की आवाज आई, इट मीन्स कि हो गया टाइम। बरौनी जाने वाली गाड़ी एक नंबर पे आई है और हमारा डिपार्चर हुआ 2:22 पे, वही 4 मिनट डिले के साथ कुछ फर्क नहीं था, गाड़ी बिल्कुल ऑन टाइम चल रही है मतलब। और हम आए थे 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे, आई गेस या 1 पे, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आए थे हम लोग। भाई चढ़िया, अरे नहीं चढ़ा जाएगा, बैठ गया फिर। गार्ड को बोल। ये बंदा रह गया किधर, गाड़ी खड़ी थी सो रहा था। देखो गार्ड साहब ने बोला है शायद लोको पायलट को, तो धीरे करिए। मैंने बोला गार्ड को बोल, उसको गाड़ी धीरे कर दिया, पता नहीं रुके वैसे धीरे करिए, रोक दी। वो अभी तक भाग रहा है, चढ़ जा घोड़े। ये देखो भाग को आ रहा है, सलाम ठोक रहा है। चल गाड़ी चल पड़ी, चल गया। यही होता है अगर आप कभी भाग रहे हो ऐसे चलती ट्रेन में, चढ़ना मत अगर नहीं चढ़ पाओ तो। लेकिन गार्ड साहब को आप बोल सकते हो, तो अगर वो चाहे तो रुकवा सकते हैं गाड़ी। बोलना चालू कर दिया, उनका चलते चलते भी भाई हेल्प कर देते हैं। और स्टेशन कोड है यहाँ का ST। और भी खड़ा है, और ये पुणे
गाइस समय से 2 मिनट डिले चल रहे हैं, हम लोग पहुंचने वाले हैं वापी जो इसका होगा 11th हॉल्ट। और यहां तक हमारा 990 किलोमीटर कंप्लीट हो गए जयपुर से लेके यहां तक, और गाड़ी वैसे ऑन टाइम ही चल रही है, बहुत बढ़िया चल रही है। और ये आपके सामने वडोदरा और मुंबई एक्सप्रेस वे है, मतलब हाईवे है, हम राइट तो मुझे सही बताना भाई, मुंबई हाईवे ही होगा ऑब्वियसली। हम लोग अब वापी पहुंच रहे हैं। अभी क्या हुआ है इस गाड़ी में कि सूरत के आसपास यहाँ से किसी ने बैग निकाल लिया है, और यहाँ पर कुछ पैसेंजर्स बैठे हैं जो खाटू श्याम जी से आ रहे थे, उसमें कुछ कैश था और सब कुछ था। और वो बंदा काफ़ी देर से जयपुर से जिस पे शक है हम लोगों को, वो मेरी वीडियो में आपको दिखेगा, मैं उस पर डाल दूंगा सर्कल। तो उसने येलो टी शर्ट पहनी हुई थी और जयपुर से मुझे मेरे से उसने बात भी की थी, बोल रहा था कि मेरी वेटिंग में है, लेकिन शक उस पर है कि वो लेके गया है बैग, क्योंकि उसने अपना एक बैग यहाँ डाला था और एक बैग यहाँ डाला था और इनका बैग बिल्कुल कोने में पड़ा था। तो वो रात को सूरत से पहले और पता कब निकल गया यहाँ से लेके, और यहाँ से होता हुआ निकल गया। तो प्लीज़ आप लोग भी अवेयर हो जाओ उस चीज़ को लेके कि भाई किसी पे विश्वास मत करना, क्योंकि किसी के फेस पे लिखा नहीं कि वो क्या है। तो हो सके तो अपने बैग को हमेशा चेन से बांध के रखना एज ए फॉर सेफ्टी। चढ़ गए ट्रेन में, सही आइडिया था ना? सही आइडिया गार्ड ना, अरे यार वो यही ये भाई से बनाए गए थे बिल्कुल सामने ही, जनरल कोच में। हाँ बिल्कुल सामने ही था मेरा डब्बा, पता चला नहीं ना, गाड़ी हॉर्न की आवाज़ नहीं आती ना, पीछे का कोच है, आवाज़ नहीं आई और वो पता नहीं मूव कर गई। हाँ और उसको पकड़ा तो हमेशा कभी रुको ना, हो गई थी चलती ट्रेन में, चलती ट्रेन में चढ़ना मत, बस कोशिश करना आप गार्ड को कांटेक्ट करो, गार्ड को रिक्वेस्ट करोगे वो गाड़ी रुकवा देते हैं। बट सही कहा था ना मैंने, मैंने बोला गार्ड को बोलो वो गाड़ी रुक देगा, हमेशा यही करना। हाँ तो यही चीज़ें हैं, यही भाई साहब रह गए थे और हमें मिल गया सिग्नल वापी के लिए। वही है, मैं आपको यही कह रहा था कि बैग को हमेशा सेफ्टी से बांध के रखना चाहिए। अब उसमें 2000 आई थिंक कैश था और कपड़े थे नए नए जो खाटू श्याम जी से लोग लिए, फिर भी पैसा खर्च करके इंसान ने गया, मूड ऑफ हो ही होता है। अपनी फैमिली है जा रहे मुंबई, उनका घर मुंबई में, ये खाटू श्याम जी के दर्शन करने आए थे, तो अच्छा ही लग रहा। मैं भी सूरत में उठा था आपके सामने जब मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था दोबारा, तो उससे पहले ये चीज़ें हो चुकी थी। और पता है रात को जब मैं सो रहा था, अगर एग्जैक्टली लोग कह रहे कि वही बंदा था, वो मेरे पास आके बैठा भी था, मैंने उसको लात मार के उठा दिया था, मतलब कि मैंने भाई उठ जा, कि मैं अपनी सीट पे सिंगल साइड में सो रहा हूँ, वो बैठ गया तो मेरे को डिस्टर्बेंस हो रही थी, उसको उठा दिया था मैंने। तो शायद वो मेरे फ़ोन भी गायब कर सकता था, लेकिन मैं हमेशा अपने चीज़ों को अपने पास बैग के नीचे रख के, सर के नीचे रख के सोता हूँ। तो आप लोग भी यही कोशिश करना, कैश वैश हो या फ़ोन वोन हो, हमेशा कुछ ऐसा छोटा बैग रखो और एक बैग के अंदर रख के अपने पास को, या बांध के चेन से अच्छे से लॉक करके सो, क्योंकि गेट के पास हमेशा रिस्क रहता है चीज़ों का। चलो ठीक है, वापी में अब जो हो गया, लेकिन आप लोग भी अवेयर हो जाओ, ये चीज़ें बढ़ रही हैं, कोई सा भी कोच हो यार, चोरी तो कहीं से भी हो जाती है। क्योंकि मैंने एक बार देखा था फर्स्ट एसी भी हुई है, सेकंड एसी से भी हो गई, तो इनफैक्ट सोचो क्या सीखे हो, फर्स्ट एसी तो नहीं शायद, फर्स्ट एसी एक बार केस आया था, लेकिन सेकंड एसी थर्ड एसी में भी हो जाती है। तो आप लोग अपनी सेफ्टी ये है कि आप सामान को बांध के रखिए, बाकी चलो अराइवल लेते हैं फिर वहाँ मुलाकात करते हैं। वापी यहाँ पर सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है, वैसे गाड़ी अप्रॉक्स 6 मिनट डिले के साथ ही, 8 मिनट डिले के साथ आई है यहाँ पर, क्योंकि आउटर पर रुक दिया था, इतना चलता है 5-10 मिनट। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आए हैं और मुंबई ज़्यादा दूर नहीं भाई, 3:40 2 मिनट का ही हॉल्ट है यहाँ पर। और एक चीज़ और कि अगला इसका स्टेशन बोरीवली आएगा, जो कि आएगा 5:20 के आसपास, और फिर अपना लास्ट बैंड्रा टर्मिनस, वहाँ पर ये गाड़ी खत्म, क्योंकि टर्मिनस स्टेशन होता है कि उसके आगे कुछ नहीं है। तो लास्ट टाइम मैं जर्नी की थी दिल्ली से वाला गरीब रथ बैंड्रा में, तब भी वहीं तक गया था मैं, वो इसी के पीछे ही आ रही है वैसे तो, लेकिन ये गाड़ी मैं बताऊँ बहुत बढ़िया गाड़ी है यार, क्या मस्त चली है ना, और ओवरटेक नहीं खाया इस गाड़ी ने एक बार भी, वीकली ट्रेन है लेकिन बढ़िया मस्त। अब रात को कोई लगा होगा तो मारा होगा इसने, लेकिन मैं तो सो गया था ना, क्योंकि भाई नींद बहुत ज़रूरी थी। अब ये देखो आप सुने, फ्रेश हूँ मैं, 6 घंटा सोया हूँ मैं आपके, मैं सो गया था अराउंड 8 बजे और उठ गया हूँ मैं 1:30 के आसपास, तो 4-5 घंटे अच्छे से सो लो तो नींद अच्छे से पूरी हो जाती है, तो ये ज़रूरी है सोना। और शायद आगे से गाड़ी क्रॉस होने वाली है तो उससे क्रॉस लेते हैं।
और हाँ एक चीज़ और कि अभी हम लोग वापी है तो ये गुजरात और महाराष्ट्र का बॉर्डर है, बस वापी पार करते हम लोग महाराष्ट्र में एंटर हो जाएंगे। वाओ सही है। अब यहाँ पर अब अच्छा मेरे को मज़ा आता है जो मुंबई के लोकल स्टेशन जो होते हैं ना छोटे छोटे, बॉयसर विरार ये सब, मेरे को स्किप करके गाड़ी 130 की रफ्तार में, तो वो स्किप लेने में बड़ा मज़ा आता है। तो बैक टू बैक स्किप्स आएंगे, सिर्फ स्टेशन स्किप दिखाऊंगा और एक आध क्रॉसिंग, मज़ा आएगा देखने में। लोकल से पहले रेस भी लगती है, मैं सोने वाला हूँ नहीं वैसे भी, तो जितना हो सके उतना कवर करेंगे। लंबी वीडियो हो रही होगी ना प्लीज़ देख लेना, बट मेहनत लगती है बहुत ज़्यादा। देख लो कर रहा हूँ व्लॉग सुबह के 3:40 पे, दुनिया सो रही है और मैं व्लॉग कर रहा हूँ। तो वहाँ से जा रही फ्राइट ट्रेन, तो उसको मैं क्या फ्लाइट टू का कवर करना। जी बस मुंबई की लोकल दिख गई आप लोगों को, हम लोग पहुंच चुके हैं धानु रोड क्रॉस कर रहे हैं हम लोग धानु रोड, और ठंडक है यहाँ पर यार, कौन कह रहा है कि मुंबई में गर्मी, बस ठंडक हो रखी है, अच्छा वेदर हो रखा है मुंबई में। टाइम हो रहा है 4:14, गाइस कुछ ही देर में देखेंगे आप विरार का स्केप, वही देखो सारी लोकल खड़ी है, क्योंकि मोस्टली जो ट्रेन है विरार से बन के चलती है मुंबई सेंट्रल के लिए, चर्च गेट के लिए, और अब आएगा विरार। अच्छी गाइस स्पीड है गाड़ी की, अराउंड 100-110 के आसपास स्किप मार रही है। अभी ये आया था उसका यार्ड लोकल का, अब आएगा समझो यहाँ से आप लोग मुंबई में एंटर कर गए हो। ये गाड़ी मुंबई की जान लोकल विरार में, भयंदर मुंबई लोकल के से पैरेलल नहीं देखा तो क्या देखा भाई। तो ये अपनी आम जी मुंबई लोकल की रेस, 5:20 हो रहे हैं और अभी तक उजाला नहीं हुआ। इसको कितनी फास्ट निकल गया, चर्च गेट वाली लोकल है, सुबह छोड़ा था। ये मुंबई किंग है भाई लोकल यहाँ की आइसोलेशन। दहीसर स्किप कर रहे हैं हम लोग, और ये स्लो लोकल है तो यहाँ रुकेगी हर जगह, बट इसका क्या है ना तीन मोटर होती है, देख रहे हो उसमें 3-4 मोटर होती है, तो इसका इंसुलेशन बहुत तगड़ा होता है। मोटर इन द सेंस ये पेंटोग्राफ दिख रही है, तो इंजन की तरह ही वर्क करता है, देखो ये लगा हुआ। तो तीन मोटर लगी है मैंने कहा था दही सर, अब अगला बोरीवली है।
वेलकम टू मुंबई गाइस। तो गाइस प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे आई हमारी गाड़ी बोरीवली में, जो कि सेकेंड लास्ट हमारा हॉल्ट है। और वैसे 4 मिनट का हॉल्ट है, हम लोग अप्रॉक्स 15 मिनट डिले के साथ से आए हैं क्योंकि गाड़ी स्लो आई है, क्योंकि यहाँ पर क्या है ना, आगे ये लोकल ट्रेन भी चल रही होती है, तो इसको इसलिए स्लो लेके आए हैं। बाकी टाइम तो ठीक है अपना, 6:30 बजे का टाइम है, बहुत स्ट्रेचेस के बाद पहुँचेंगे बांद्रा। बात करें बोरीवली की, यहाँ पर टोटल 8 प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर काफ़ी ट्रेन रुकती है, यहाँ तक कि राजधानी की तक का भी स्टॉप यहाँ पर है बोरीवली, काफ़ी मेन स्टेशन माना जाता है मुंबई का। और यहाँ पर टोटल 8 प्लेटफॉर्म है, 4 मिनट का हॉल्ट है और 80% ट्रेन यहाँ पर खाली हो जाएगी। आप देख सकते हैं काफ़ी पब्लिक यहाँ उतर रही है 80%, और तभी यहाँ पर 4 मिनट का हॉल्ट इस गाड़ी को दिया गया है बोरीवली पे। बाकी डिपार्चर मिलते हैं, 2 मिनट का ही है। लोकल भी आ गए, मुंबई की सुबह सुबह लाइव चालू हो जाती है भाई 4 बजे ही। गाड़ी खड़ी है, ये खड़ी है हमारी 22196 राणा लक्ष्मीबाई झांसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो कि बांद्रा टर्मिनल से चलती है और झांसी तक जाती है गाड़ी। अभी आई थी मेरे सामने ही, लेकिन बीच में लोकल आ गई थी। पूरे 4 मिनट रुके गाड़ी और बोरीवली से डिपार्चर। अगला हमारा BDTS ही है, टर्मिनल स्टेशन बांद्रा। बाय बोरीवली। ये कांदीवली का यार्ड है, देख रहे हो आप कितनी सारी वो खड़ी है, वो गाड़ी पूरी कर्व ले रही है आगे। लोकल शेड है, वेस्टर्न रेलवे। दिस इज मलाड, देख रहे हो पहले लोकल का। यहाँ की फास्ट लोकल के जलवे अलग है, 80-90-100 पे क्रॉस कर रही है AC। पैरेलल रेस विद लोकल भाई, उजाला ही नहीं हो रहा यहाँ पर यार, 6 बज गए हैं। बिल्डिंग ही सुंदर लग रही है वाली, लोकल तो यहाँ की राजधानी है भाई कसम से, जो फास्ट लोकल है ना यहाँ की, मज़ा आ गया। चारों तरफ लोकल ही लोकल है, हर 2 मिनट के एक मिनट एक सेकंड के अंदर, बोले कुछ ही सेकंड के अंदर। जो आपने स्किप देखा था ये था अंधेरी का, अंधेरी में अभी तक अंधेरा ही है।
पाएगा, विले पार्ले। हाँ नहीं टूर ठीक है, दो पे, अच्छा दो लेफ्ट साइड है राइट साइड है। गाइस सेंटर की तरफ जा रहे हैं, गुजरात मेल, गुजरात मेल। हमारी अहमदाबाद से चलकर दादर वाली गुजरात मेल एक्सप्रेस। ये हमारा अराइवल हो रहा है बांद्रा टर्मिनस स्टेशन पे, और लास्ट जो गरीबत में आया था तो हमारा अराइवल यहाँ पर हुआ था, और एल्को गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 2। लोक शक्ति का रेख खड़ा है यहाँ पर जो योगा के साथ रेख शेयर करता है। छः बज के 22 मिनट में आ गए, वो साढ़े छः का टाइम है, मतलब 8 मिनट बिफोर आ गई है गाड़ी, 8 मिनट बिफोर आ गई है। और टाइम देख सकते हैं तो पहुंच चुके बांद्रा टाइम से 10-8 मिनट बिफोर। और गाड़ी की बात करूं भाई, मज़ा आ गया। टाइम की पंचुअल आपको पता चल रहा है गाड़ी कितनी ज़्यादा है, और चाहे हफ्ते में एक बार चलती है बट टाइम की बहुत ज़्यादा पंचुअल है। और अगर मैं फेयर की बात करूँ, मैं जयपुर से लेके बांद्रा तक की मुझे स्लीपर का पड़ा था 555 रुपये, ठीक है। थर्ड एसी, सेकंड एसी, फर्स्ट एसी का और जनरल का मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, ठीक है। और मेरा फेसबुक पर भी पेज है, वहाँ पर भी डालूंगा ये ब्लॉग, वहाँ पर जाकर आप फॉलो कर लो। फेसबुक को लवरेल जोन नाम से ही है, ट्विटर हैंडल मेरा लवरेल जोन नाम से है, और हमारा इंस्टाग्राम का भी लवरेल जोन नाम से जगह फॉलो कर लो। नई नई अपडेट्स आती रहती है, उसमें डाला था मैंने इस जर्नी के बारे में, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, फॉलो कर लो। बाकी मिलता है आपको अगली इसी और जर्नी में। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद। हाँ कल बर्थडे है मेरा, तो होप्स अगर आज टाइम मिला तो मैं आज ब्लॉग एड करके डाल दूँगा कल तक, बट सैटरडे संडे के बीच आएगा। तो चलो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, लव यू फैमिली, लव यू, जय हिंद।